सहारा में पैसे इन्वेस्ट करने वाले लोगों को एक और जोर का झटका लगा है, क्योंकि सहारा प्रमुख जिनकी कंपनी में लोगों ने लगभग 85 लाख लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए का जो निवेश किया था, वे रुपए और भी ज़्यादा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय का देहांत हो चुका है और उनके देहांत के बाद 85 लाख लोगों की आंखों में आंसू तो हैं, वो जो आंसू हैं वो किसी व्यक्ति के देहांत को लेकर नहीं, 85 लाख लोगों में उस धोखे के आंसू दिखाई दे रहे हैं जो लगभग 85 लाख लोगों को दर्द देकर इस धरती से खुद छुटकारा लेकर के जा चुका है। हाँ जी हाँ, सुब्रतो रॉय का देहांत हो चुका है और 85 लाख लोगों की जो पैसे मिलने की उम्मीद थी वो उम्मीद अब टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों लंबी बीमारी के चलते मुंबई के एक निजी अस्पताल में दाखिल सुब्रतो रॉय का निधन 14 नवंबर 2023 को हो चुका है और लोगों के खून पसीने की जो कमाई थी वो कमाई भी एक तरीके से डूबती हुई नज़र आ रही है। देश के हर कोने जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना और देश के समस्त राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश से निवेशकों द्वारा सहारा में जो पैसे इन्वेस्ट करने का कार्य किया था वो पैसे लगभग डूब चुके हैं और लोगों को कोई उम्मीद अब नज़र नहीं आ रही है। कोर्ट में लंबे समय से जो केस चल रहा था उस केस को देखकर लोगों के मन में कुछ 1% की उम्मीद थी कि उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन सहारा प्रमुख के निधन के बाद लोगों की वो उम्मीद भी टूट चुकी है और सहारा में जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे वे लगभग डूब चुके हैं। तो अब ये देखने का विषय होगा कि सरकार सहारा में डूबे पैसों को लोगों को दिलाने का काम कर पाएगी या सहारा में सुब्रतो रॉय के पारिवारिक सदस्य स्वपना रॉय, सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय उन पैसे पर दावा ठोकेंगे, क्या कोर्ट में और तारीखें लगेंगी और क्या गरीबों के पैसे उन्हें मिल पाएंगे। सहारा, आपने नाम सुना ही होगा, सहारा में लोगों ने लंबे पैसे लगाए, सहारा में लोगों ने निवेश किया और वो निवेश एक झटके में डूब गया, क्योंकि सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय का निधन हो चुका है और उनके निधन की पुष्टि बड़े बड़े समाचार पत्रों द्वारा भी की जा चुकी है। अब से लगभग कुछ 1 घंटे का समय भी नहीं हुआ है सुब्रतो रॉय को गुजरे हुए और लोगों के मन में गुस्सा फिर से फूट पड़ा है। कुछ लोगों के तो ऐसी प्रतिक्रिया हैं कि दुख का गड़ा फूट गया है, सुब्रतो जा चुका है धरती से। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं, क्या उन्होंने जो 1,000 करोड़ रुपये लगाए थे क्या उन्हें वापस मिल पाएंगे, इस प्रकार के सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। अगर बात करें सुब्रतो रॉय की तो सुब्रतो रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार में हुआ था और लगभग वर्तमान में 36,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक उन्हें बताया जा रहा है। अगर वर्तमान में उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, जो सहारा की कंपनी है उनके ऊपर समय समय पर जो आरोप लगे थे उनके अनुसार लगभग 85 लाख निवेशक व्यक्तियों के द्वारा 22,000 करोड़ रुपए का निवेश सहारा में किया गया था। अब आप लोग एक आंकड़ा देख सकते हैं, 36,000 करोड़ की उनकी चल और अचल संपत्ति है और लगभग 22,000 करोड़ रुपए के ऊपर ये सारा मामला अटका हुआ है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं, अब तो जो उनके लगाए पैसे हैं उनकी लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय के निधन की खबर आई लोगों के मन में गुस्सा भी फूट गया और लोग समय समय पर यही सोच रहे हैं कि अब उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया जो पैसा था वो डूब चुका है।
इस प्रकार के सवाल लोगों के मन में बार बार आ रहे हैं। अगर बात करें सुब्रतो रॉय की, तो सुब्रतो रॉय के जो उत्तराधिकारी की बात करें तो उनकी पत्नी स्वपना रॉय और उनके दो पुत्र सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय के मध्य में उनकी चल और अचल संपत्ति के मध्य में बंटवारे का भी कार्य होगा। वो सारा का सारा जो प्रेशर होगा अब स्वपना रॉय, सुशांतो रॉय और उनके दूसरे पुत्र सीमांतो रॉय के ऊपर आएगा, क्योंकि सुब्रतो रॉय तो लोगों की जेब को ढीला करके ये संसार छोड़कर जा चुके हैं और जो लोग जिनके पैसे सहारा में फंसे हुए थे वे अब जो कि तो फंसे हैं। अब उन पर एक कानूनी अड़चन भी आ सकती है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जहां एक तरफ तो हजारों लगभग 85 लाख लोगों के जो निवेशक हैं वे खड़े हैं और एक तरफ इनके परिवार के 3 से 4 सदस्य खड़े होंगे, क्योंकि लगभग 22,000 करोड़ रुपए का जो लेन देन है वो सहारा की तरफ से नहीं किया गया और लोगों ने जो अपने मेहनत की कमाई से सहारा में जो पैसे इन्वेस्ट किए थे शुरुआत में उन्हें बड़े बड़े प्रलोभन दे करके बहकाने का कार्य किया गया था, लेकिन अब सहारा के अंदर जो पैसे थे लोगों के वो डूब चुके हैं, क्योंकि सहारा प्रमुख का निधन हो चुका है और उनके निधन के बाद भी ये पैसे ऐसे ही लोगों के अटके रहेंगे। लगभग लोगों के बात करें तो किसी के 2 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 10,000, किसी के 25,000, किसी के 2 लाख, इस प्रकार लगभग 85 लाख लोगों के पैसे सहारा में फंसे हुए हैं और लंबे समय से ये पैसे ऐसे के ऐसे फंसे हुए हैं। पैसे पर ब्याज लग के मिलना तो एक अलग बात है, लेकिन गाड़ी कमाई, जो मेहनत की कमाई, खून पसीने के गरीबों की कमाई को लूट करके एक व्यक्ति तो धरती छोड़कर चला गया, लेकिन उन 85 लाख व्यक्तियों का क्या होगा जो इस धरती पर रहकर भी मरे के बराबर कार्य कर रहे हैं। अब ये देखने का विषय होगा क्या सरकार सहारा से 85 लाख गरीबों के पैसे लौटाने का काम करेगी, या जिस प्रकार सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय लगभग 36,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक थे, तो क्या ये देखने का विषय होगा या सहारा में इसी प्रकार गरीबों के पैसे फंसे रहेंगे, क्योंकि गरीबों के पैसे खाने वाला व्यक्ति जेल भी जा चुका है और जेल से बाहर आकर धरती भी छोड़कर जा चुका है, तो क्या गरीबों के पैसे मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें, क्योंकि ये एक शोचनीय और देश के लिए एक निंदनीय विषय है।